तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं मंतरना देवी और आदिबद्री मंदिर और कपाल मोचन। तो पहले हम चलेंगे मंतरना देवी। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। सरस्वती उद्गम स्थल 1 किलोमीटर है, आदिबद्री नारायण मंदिर 2 किलोमीटर है, और श्री केदारनाथ शिव मंदिर 2 किलोमीटर है यहाँ से, और माता मंतरना देवी का मंदिर 4 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये आदिबद्री की तरफ जा रहा है। तो हम पहले मंतरना देवी जाएंगे। मंतरना देवी का रास्ता जो है इधर की तरफ है, तो हम यहाँ पे बढ़ते हुए, तो को लग रहा होगा अभी नीचे उतर रहे हैं, बट लेकिन हमने उस चोटी पे जाना है ऊपर, वो दिख रहे हैं ऊपर सामने, वहाँ पे मंदिर है दोस्तों। ये जो जगह है, इस जगह का नाम है श्री आदि बद्रीनाथ, और इस जगह पर ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री विष्णु का निवास स्थान था, और भगवान श्री विष्णु बद्रीनाथ जाने से पहले यहाँ पर रहा करते थे। तो ये जो है अपने हरियाणा में ही स्थित है, और ये हरियाणा और हिमाचल की बॉर्डर पे है। तो ये जो नदी आप देख रहे हो, जो अभी हम पार कर रहे हैं, ये सोम नदी है। और इस नदी, ये जो नदी है, बारिश और टाइम पे इसमें पूरा पानी भरा रहता है। तो अभी जो दिन चल रहे हैं नवंबर के चल रहे हैं, तो इसलिए जो पानी है बहुत कम है। देखिए, एक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे अपना घर बनाता है इस जगह पे आके पत्थरों से, तो उसका घर बनाने का सपना जो है पूरा हो जाता है। तो वैसे ही लोगों ने जो है छोटे छोटे घर बना रखे हैं हर जगह पे पत्थरों से। हम भी यहाँ पे एक छोटा सा एक घर बनाते हैं, पत्थर पत्थर लेके, पत्थर के ऊपर ये रखा, ठीक है, देन इसको ये ऊपर ये रखा, बस इतना छोटा सही है ना, इतना बड़ा घर क्या करना हमने, ये नहीं टिक पाएगा। ये रखा और उसके बाद हम रखते हैं इसको, ये रखा और फिर, अरे माता रानी, नहीं, स्टेबल नहीं हो रहा, छोटा पत्थर रखेंगे इसके ऊपर, ये रखा। तो हमने भी दोस्तों एक छोटा घर बना दिया अपने लिए। दोस्तों देख रहे हो ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से जो है माता मंतरना देवी की चढ़ाई शुरू होती है। जय माता दी। और ये रास्ता है, देख रहे हो कैसी चढ़ाई है, और ऐसे हमने ऊपर जाना है। वो देखो, ठीक है रास्ता। तो अभी मुश्किल से मैं आधा किलोमीटर चला हूँ और थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको मंतरना देवी आना है, तो जहाँ पे मैंने बाइक खड़ी की थी, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको रणजीतपुर से ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, और रणजीतपुर आने के लिए आपको जगाधरी से बस मिल जाएगी। और अगर आप अपने व्हीकल में आना चाहते हो, तो आप अपने व्हीकल में आराम से आ सकते हो। और दोस्तों देख रहे हो वहाँ से हम लोग आए थे, वो सामने दिख रहा रास्ता, वो गाड़ी जा रही है, और उधर जो है तो रास्ता बहुत ही आड़ा टेढ़ा है, और बड़ी कहीं पे सीढ़ियाँ भी हैं, और कहीं पे जो है बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। माता मंतरना देवी यहाँ पे एक पिंडी के रूप में विराजमान है। जो मंतरना देवी है, मंतरना यानी कि ये ऋषि मुनियों ने जो है यहाँ पे मंत्रों से एक कन्या को उत्पन्न किया था, ठीक है, उस कन्या का नाम माता मंतरना देवी रख दिया गया था, तो इसी वजह से इस जगह को माता मंतरना देवी बोला जाता है। मंदिर का रास्ता थोड़ा ही बचा हुआ है, तो अभी हम मंदिर पहुंच के फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं, और तो आपको मंदिर के बारे में बताते हैं, ठीक है। यह माता मंतरा देवी का मंदिर, आओ दर्शन करते हैं। जय माता दी। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु यहाँ पर तप कर रहे थे, तो वैकुंठ धाम में जो लक्ष्मी माता बैठी थी, तो उनको बड़ी चिंता होने लगी। तो वो जब देखे कि भगवान विष्णु जो है बिल्कुल धूप में तप कर रहे हैं इतनी गर्मी में, तो वो एक पेड़ बनकर उनको छाया देने लगी। तो जब लास्ट में उनका तप खत्म हुआ, तो उनको यज्ञ करना था, तो यज्ञ करने के लिए उनको एक कन्या की ज़रूरत थी।
तब जब देवी देवता जो वैकुंठ धाम में गए तो वहाँ पे लक्ष्मी जी नहीं मिली। जो लक्ष्मी नहीं मिली तब उनको यज्ञ तो करना था, कन्या की जरूरत थी। तो देवी देवताओं ने जो मंत्रों से जो है एक कन्या को उत्पन्न किया। उस कन्या का जो नाम रखा गया वो माता मंत्रा देवी रखा गया। तो दोस्तों ये रास्ता था जहाँ से मैं आया था। मुझे रास्ते में बोला किसी ने कि आगे बंदर है, गिम्बल छीन लेंगे। और ऐसा अक्सर होता भी है क्योंकि ऊपर जो है मंदिर थे, इसलिए मैं आपको मंदिर का जो बाहर का दृश्य है वो दिखा नहीं पाया। इसलिए मैंने मंदिर में अंदर जाके वीडियो बनाई वहाँ पे जाके। बड़ा ही सुंदर नज़ारा सामने का, और ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। वो सामने जो ताल दिख रहा है अभी हम वहाँ जाएंगे, ठीक है, नीचे उतर के। सूरज है ये जो है, ये सूरज है, और ये रोशनी पता नहीं कहाँ से आ रही है जो रेनबो की तरह चमक रही है। अगर किसी को पता लगे, पता रहे क्या फिनोमिना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो बड़ा ही अद्भुत नज़ारा देखने मिला है यहाँ पे, और ऐसा फिनोमिना मैंने पहली बार देखा लाइफ में। मैं यहाँ पे मंत्रणा देवी जो है लगभग चौथी पांचवी बारी आ चुका हूँ, और ये जगह मेरे को बहुत प्यारी लगती है। चढ़ाई कठिन है बट लेकिन हंसते हंसते कट जाती है। माता का नाम लो, जय माता दी बोलो और चढ़ाई महसूस नहीं होती। और यहाँ पे बीच में स्टॉपेज नहीं है रुकने वाले इतने ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा महसूस होता है। मगर यह कि 2 घंटे में मैं माता मंत्रणा देवी पहुंच गया था ऊपर मंदिर पे। बस थोड़ी सी समस्या ये रहती है कि यहाँ पर पीने का पानी जो है आज अवेलेबल नहीं है, तो बट लेकिन ऐसा हो। तो दोस्तों रास्ते में जो है कहीं पानी मिला नहीं मेरे को, और या तो मेरे को पानी मिला नीचे जहाँ से मैंने चढ़ाई शुरू की थी माता के लिए, और या तो ऊपर जाके मंदिर में वहाँ पे पानी मिला, बट लेकिन रास्ते में कहीं पानी नहीं मिला। तो आप जो है खाने पीने का सामान और पानी की बोतल ज़रूर अपने साथ लेके चलें, क्योंकि यहाँ चढ़ते हुए डिहाइड्रेशन होती है। गला भी बहुत सूख रहा था मेरा, तो शुक्र है मेरे पानी की बोतल थी। थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी पी के ना आगे की तरफ बढ़ता रहा। तो अगर आप फैमिली के साथ हो तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें, अपने साथ खाने पीने का सामान और पानी की बोतल जरूर कैरी करें। ये जो सामने आप देख रहे हो ये जो है सरस्वती उद्गम स्थल है, और इसकी खोज जो है साइंटिस्टों ने कर रखी है। ये जो पानी जो दिख रहा है आपको निकलता हुआ गौमुख से, जो ये मार्बल का बना हुआ है, ये सरस्वती नदी है। और पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं है, और ये ज़मीन के अंदर से निकल रहा है। तो ये जो सीढ़ियाँ जा रही है ये श्री आदि बद्री नारायण मंदिर की तरफ जा रही हैं, और ये जो सामने पुल पार करके जो रास्ता दिख रहा है ये जो है श्री केदारनाथ आदि केदारनाथ मंदिर की तरफ जा रहा है। जगह है ये है श्री आदि बद्री नारायण जी का मंदिर, और यहाँ पर पांडवों ने श्री कृष्ण जी के साथ अपने अज्ञातवास में इस जगह पर पूजा अर्चना की थी। बद्री नारायण जी का मुख्य मंदिर, और यहाँ पर जो है जो शंख जो श्री कृष्ण भगवान जी ने महाभारत के टाइम पे बजाया था, वो शंख आज भी यहाँ पर प्रस्तुत है, सामने रखा गया है। ये जो है कपाल मोचन सरोवर है, यहाँ पर जो है भगवान शिव ने ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए इस जगह पर इस सरोवर में स्नान किया था। तो वो ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति माता मंत्रा देवी श्री आदि बद्री नारायण मंदिर श्री केदार आदि केदारनाथ धाम श्री सरस्वती कुंड और जो कपाल मोचन, इन 4 जगह दर्शन कर लेता है उसे 4 धाम यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होती। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।